एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। उनको तो इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये, तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे माश की दाल, खिलवा दाल जो बनती है माश की, खुश्क वाली। तो बस ये मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और मैं जो ये माश की दाल बनाती हूँ, ये मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाती हूँ। मेरी अम्मी इसी तरह से बनाती थी ये खिलवा दाल, और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से भी लोग इसको बनाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ अपनी अम्मी का तरीका शेयर करने लगी हूँ कि वो किस तरह से बनाती थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि माश की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप माश की दाल ली, और उसको आधे घंटे पहले मैंने पानी में सोक कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। मूंग और मसूर तो बहुत जल्दी गल जाती हैं, लेकिन ये दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसीलिए मैंने इसको आधे घंटे पहले पानी में सोक करके रख दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और उसको इस तरह से थिनली स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3-4 जवे लहसुन के लिए हैं, और उनको इस तरह से 2-2 टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये इसी तरह से डाले जाते हैं, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। उसके बाद यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाला है, उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 10 मैंने यहाँ पर ये साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 5 ये लौंग ले ली हैं मैंने यहाँ पर, और 6 मैंने यहाँ पे ये गोल वाली जो लाल मिर्चें आती हैं वो ले ली हैं। तो इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, साबुत गोल जो लाल मिर्चें आती हैं वो हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये अदरक ले लिया है, और इसको इस तरह से जूलियन कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ना पतली पतली आप इसको काट लें, तो ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाली जाती है, बहुत अच्छी लगती है ये भी। और ये हरी मिर्चें हैं, ये भी ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाली जाती हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। तो चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट रख दी है चूल्हे पे, और उसमें मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड किया है, और अब मैं इसमें ये जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी वो शाम ऐड कर दूँगी। यहाँ पर देखें मैंने ये प्याज इसमें ऑयल में ऐड कर दी है, और अब इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत डार्क कलर मत कीजिएगा, वरना दाल का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए अब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो अब जो मैंने आपको साबुत गरम मसाला दिखाया था और लहसुन दिखाया था, वो हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे, ताकि वो भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी, गरम मसाला और लहसुन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब ये प्याज़ों के साथ ही फ्राई हो जाएगा। बस 1-2 मिनट और इसको फ्राई करना है, और फिर इसमें दाल ऐड करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, क्योंकि गरम मसाला डाला है, तो उसकी जो उसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये देखें प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, और बस इसको इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। दाल का जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है, और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। और अब इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे मैं 2 मिनट तक फ्राई करूंगी दाल को। दाल को इस तरह से फ्राई करने से जो माश की दाल थोड़ी सी बादी होती है, हजम मतलब डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इस तरह से फ्राई करने से इसका जो बादीपन है वो कम हो जाता है। तो मैं इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। तो ये एक टिप थी छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये देखें यहाँ पे मैं दाल को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से ना फ्राई करने से बहुत ही लाइट बनके तैयार होती है, मतलब तो भारीपन नहीं होता, और बहुत हल्की हल्की सी रहती है। और कुछ लोग इसको इसका बादीपन कम करने के लिए इसको बॉयल भी कर लेते हैं, लेकिन मैं बॉयल नहीं करती, मैं इस तरह से 2 मिनट तक फ्राई करती हूँ, तो उससे ये बहुत ही लाइट भी हो जाती है, बहुत खिली खिली बन के तैयार होती है। तो ये देखें ये यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी है 2 मिनट, और अब मैं इसमें 1 कप भर के पानी शामिल कर दूँगी।
तो ये देखें, मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे ही पका लूँगी अच्छे से, जब तक ये गल जाए। और नमक मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है, और ये भी मेरी अम्मी की ही टिप है कि जब ये थोड़ी सी गल जाए उसके बाद इसमें नमक ऐड करें, वरना ये सख्त हो जाती है। अगर हम इसमें इस स्टेज पे नमक ऐड कर देंगे तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो जब ये हल्की सी गल जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और अब मैं इसको ढक के पका लूँगी जब तक इसका पानी ड्राई हो और ये अच्छे से गल जाए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे 5-6 मिनट बाद, क्योंकि ये हमने भिगो दी थी आधे घंटे के लिए, तो इसलिए ये अब जल्दी गल जाएगी। अगर आप नहीं भिगोएंगे तो फिर इसको पकने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखें, अब इसको पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और अब ये ना देखें इस तरह से गलने लगी है। देखें अब ये गलने लगी है इस तरह से, सिर्फ 6 मिनट ही हुआ है इसको। तो इस स्टेज पे ना इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और पानी भी देखें बस ड्राई होने ही वाला है और ये गलने भी लगी है थोड़ी सी, तो अभी इसमें कसर है। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो जो नमक मैंने आपको दिखाया था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो अब इसको बस 1-2 मिनट और पकाएंगे और इसका ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। तब तक और पकाना है इसको और फिर मैं इसमें जो हरी मिर्च और अदरक मैंने आपको दिखाई थी वो ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, अब इसका ये पानी भी ना अच्छे से ड्राई हो गया है। देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, और देखें कितनी खिली खिली दाल बन के तैयार हुई है, देख रहे हैं आप लोग। तो जो इसको जो फ्राई किया था ना मैंने 2 मिनट, तो देखें उसकी वजह से कितनी खिली खिली, कितनी लाइट सी बन के तैयार हो गया है। अब पानी भी ड्राई हो चुका है, तो अब जो मैंने अदरक और हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो मैं इस पर डाल दूँगी। ये जो मैंने अदरक और हरी मिर्चें काटी थी ये सारी मैं इस पर डाल दूँगी। और ये जो हरी मिर्चें थी तो ये मैंने हर तरह का हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो कर दें आप फ्लेम, इसको मैं 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दूँगी। और अब ये डन हो चुकी है, ये देखिए। तो 2 मिनट मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की और अदरक की। तो अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, रेडी हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही खिली खिली माश की दाल, और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। कितनी झटपट से बन गई, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें और फटाफट बनके तैयार हो गई। तो ज़रूर बनाइएगा। और जो मैंने इसमें एक स्टेप किया था कि मैंने इसको फ्राई किया था 2 मिनट जब मैंने इसे ऑयल में ऐड किया था, तो वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उससे ये बहुत ही लाइट सी बनके तैयार होती है, मतलब भारीपन नहीं होता है और ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो फ्राई ज़रूर कीजिएगा इसको 2 मिनट और बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।